तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिनी पिज़्ज़ा कितना टेस्टी बना है, विदाउट ईस्ट, विदाउट चीज़ एंड विदाउट बेकिंग सोडा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरी और आप देख रहे हैं फरीज़ किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं किड्स स्पेशल मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने दो तीन टिप्स दी हैं, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मिनी पिज़्ज़ा रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा की डो गूंध लेते हैं। डो गूंधने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा लिया है और 2 कप मैदा ऐड कर देंगे स्ट्रेनर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 2 कप ऐड कर देंगे, 3 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1, 2, 3। बेकिंग पाउडर 3 टीस्पून इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है और हम विदाउट ईस्ट बना रहे हैं, इसलिए 2 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे। इस शुगर को मैंने पीस लिया था। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 2 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून या 3 टीस्पून जितना आपके पास अवेलेबल हो। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पिज्ज़े के अंदर, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अब इन तमाम ड्राई इंग्रीडियंट्स को स्ट्रेन कर लेंगे। हम जो भी बेकिंग कर रहे हों उसमें अगर हम तमाम चीज़ें स्ट्रेन करके ऐड करें तो इससे हमारी बेकिंग बहुत अच्छी होती है। ये छोटी मोटी टिप्स होती हैं जो मैं आप लोग को हर वीडियो में एक ना एक दे देती हूँ, तो आप लोग इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस स्ट्रेनर को साइड में रख देंगे, तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 कप दही लिया है, योगर्ट। तो अब इस योगर्ट से हम इस पिज़्ज़ा की डो को गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। दही से बहुत ही अच्छी पिज़्ज़े की डो तैयार हो जाती है, तो बस थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और डो को गूंदते जाएंगे। ये मैंने पूरा 1/2 कप दही ऐड कर दिया है। अब बस अच्छी तरीके से हमें पिज़्ज़े की डो को गूंदना है, सॉफ्ट सा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, उसी दही के कप में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। 1/2 कप हमने दही का यूज़ किया है, तो ये जो मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया है, तो बस अब इसे हम अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तमाम मैदा एक जान हो गया है, सब एक साथ हो गया है, बॉल सा बन गया है। अब इस स्टेज पर हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल इस टाइम मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि मैदा जब हम गूंद रहे हों तो ये हाथों पर ना चिपके। तो अब आप ये एक चीज़ नोट कीजिएगा, अब पिज़्ज़े की डो हाथों पर नहीं चिपकेगी। तो बस इसे अच्छी तरीके से मैं 5 मिनट तक गूंद लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से डो को गूंद लिया है। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरा बाउल लेंगे और 1/2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इस ऑयल को सब तरफ फैला देंगे और ये जो पिज़्ज़ा की डो है ये हम इसमें रख देंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी पिज़्ज़ा की डो गुन चुकी है, रेडी हो चुकी है। जब पिज़्ज़ा की डो गुन जाती है, रेडी हो जाती है, तो इसकी एक पहचान होती है कि हमारे हाथों पर जो मैदा लगा हुआ होता है तो ये देखिए इस तरीके से इजीली हट जाता है, चिपकता नहीं है। अब ये हम प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे। आप प्लास्टिक रैप से कर दीजिए या कोई भी घर में प्लेट वगैरह जो भी चीज़ हो उससे कवर कर दीजिए। अब हम इस डो को 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जब तक हम वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पिज़्ज़ा के लिए वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं क्योंकि हम इसमें चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे और 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऑयल में मैदे को अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। लो फ्लेम करके हम मैदे को भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं मैदे को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब यहाँ पर 1 कप मैंने मिल्क लिया है। अब मिल्क हम थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि मैदे के जो लम्स बन जाते हैं ना, वो लम्स ना बने और अच्छी तरीके से हमारा वाइट सॉस रेडी हो जाए। बस थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और कंटिन्यूसली हम स्पैचुला चलाते रहेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है।
तो इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लम्स वगैरह थे मैंने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। अब ये जो बाकी का दूध रह गया है ये भी हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से हमने 1 कप इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल फरीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इससे हमारी हर न्यू अपलोड सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल है तो आप ऐड कर लीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। चिकन पाउडर ऐड करने से ये होता है कि पिज़्ज़ा सॉस के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। 1 टीस्पून ही मैं ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। सॉल्ट मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन पाउडर में भी सॉल्ट ऐड होता है, इसलिए सॉल्ट हम कम ही ऐड करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे, इससे हमारा बहुत मज़े का फ्लेवर्ड वाइट सॉस रेडी हो जाएगा। आपको ज़रा सा भी फील नहीं होगा कि हमने इसमें चीज़ ऐड नहीं की है। तो बस अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वाइट सॉस तैयार है। मैंने लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक और कुक किया है। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रीमी टाइप का है ये नज़र आ रहा हो मे भी आपको, ये देखिए। और ये देखिए, जब ये पूरा गिर भी जाएगा तो स्पैचुला पर ये मौजूद है, मतलब इतना थिक है ये। अच्छा, ज़्यादा थिक मत कीजिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी वाइट सॉस रेडी है। देखिए कितना क्रीमी टेक्स्चर आया है। तो बस ये वाइट सॉस रेडी है, ये जब तक ठंडी होती है जब तक हम चिकन को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम चिकन रेडी कर लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गरम होने देंगे, फ्लेम मीडियम कर देंगे। ऑयल गरम हो चुका है, 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन को कट कर लिया है तो ये ऐड कर देंगे। लहसुन को जस्ट हम सौते करेंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर चिकन ली है, 4 से 5 बोटियाँ लेके इन्हें बारीक कट कर लिया है। तो ये देखिए, हमें मिनी पिज़्ज़ा बनाने हैं तो मिनी पिज़्ज़ा के हिसाब से छोटी छोटी सी बोटियों को कट कर लिया है। तो ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स करेंगे, फ्लेम मीडियम कर देंगे और चिकन को वाइट कलर होने तक फ्राई करेंगे। चिकन के साथ ही मैं 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चा ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आप ये मसाले ऐड नहीं करना चाहें तो आप 1 से 2 टेबल स्पून तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तिक्का मसाला हर टाइम अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने ये मसाले ऐड किए हैं। 1/2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। लॉकडाउन है, इस वजह से टिक्का मसाला हो सकता है कि सबके पास अवेलेबल ना हो, इसलिए मैंने घर के मसालों से भी बनाना सिखा दिया है। मिक्स करेंगे, फ्लेम लो कर देंगे, 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह टेंडर हो जाए। चिकन की छोटी बोटियाँ हैं तो वैसे ही जल्दी से टेंडर हो जाएगी। तो बस 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है मैंने और 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। तो बस मिक्स करेंगे और लिड कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो इतने में हमारी चिकन फुल टेंडर हो जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं सिरका ऐड करना भूल गई थी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून हम सिरका ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही सोया सॉस ऐड कर देंगे। अगर आप ये तमाम मसाले ऐड करें तो फिर आप टिक्का मसाला ऐड मत कीजिएगा। अगर ये सब मसाले ऐड करें तो बस इन्हीं से तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छी हमारी चिकन तैयार होगी पिज़्ज़ा के लिए। तो बस लिड कवर कर देंगे और मिलते हैं 5 से 10 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी हमारी टेस्टी सी चिकन तैयार हो गई और खुशबू भी किचन में बहुत ही अच्छी सी आ रही है। इस चिकन को साइड में रख देते हैं और ठंडा कर लेते हैं जब तक हम पिज़्ज़े की डो को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पिज़्ज़ा डो अच्छी तरह फूल भी चुकी है, जबकि हमने इस पिज़्ज़ा डो में ईस्ट ऐड नहीं की है। तो फ्रेंड्स, सरफेस पर मैदा डस्ट करेंगे और पिज़्ज़ा डो को इस पर रख देंगे। इस तरीके से कर लेंगे। अब थोड़ा सा मैदा और डस्ट कर देंगे तो पिज़्ज़ा डो को फ्लैट कर लेंगे और रोलिंग पिन ले लेंगे। और रोलिंग पिन की मदद से हम इस पिज़्ज़ा डो को बिल्कुल रोटी की शेप में बेल लेंगे,
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रोटी को बेल लिया है। बड़ी सी रोटी एक तैयार हो गई है हमारी। और आप एक किसी भी जार का कैप ले लीजिए या ग्लास वगैरह ले लीजिए, तो बस उसकी मदद से हम इस तरीके से छोटे छोटे से मिनी पिज़्ज़ा तैयार कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तमाम मिनी पिज़्ज़ास को कट कर लिया है। अभी जो एक्स्ट्रा जो हमारा मैदा है, डो, पिज़्ज़ा डो, इसे हम हटा देंगे। फ्रेंड्स, मैंने तमाम पिज़्ज़ास कट कर लिए। हमने जो व्हाइट सॉस रेडी किया है ये भी तैयार है, और जो हमने चिकन प्रिपेयर की है ये भी तैयार है, और ये जो पिज़्ज़ा सॉस उस दिन मैंने आपको सिखाई थी तो ये इस तरीके से मैंने स्टोर करके रखी हुई है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये सेव रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी, क्योंकि हमने इसमें सिरका ऐड किया था। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप इन्हें फॉलो किया कीजिए। तो ये पिज़्ज़ा सॉस मेरी लाइक 15 डेज़ हो गए हैं, ये पिज़्ज़ा सॉस मेरी अभी तक बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने तैयार की थी। तो ये सब चीज़ें रेडी हैं। इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में टमाटर कट कर लिए हैं, और ये शिमला मिर्च छोटे छोटे से क्यूब्स में हमने कट कर लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मिनी पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं, और ये ऑलिव्स। तो चलिए पिज़्ज़ा को कुक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टोव पर आ गए हैं। हमने तवा रख दिया है स्टोव पर और फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है, और यहाँ पर हम तवे को थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। और ये जो हमने मिनी पिज़्ज़ा कट करके रखे हैं ये हम तवे पर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मिनी पिज़्ज़ा की थिकनेस चेक कर लें, इसी तरह बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। ना ज़्यादा ये मिनी पिज़्ज़ा थिक हैं और ना ही ज़्यादा थिन हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तमाम मिनी पिज़्ज़ा रख दिए हैं तवे के ऊपर, और कुछ बच गए हैं वो मैं बाद में बना लूँगी। फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और एक साइड से हम 1 मिनट तक कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, साइड टर्न कर देते हैं। साइड टर्न कर दिया हमने। अब इस साइड से हम तमाम मिनी पिज़्ज़ा को फोक कर देंगे। तो ये देखिए लास्ट वाला भी हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है, अब ये थोड़ी थोड़ी सी लगा देंगे तमाम मिनी पिज़्ज़ास पर। आप पिज़्ज़ा सॉस की जगह केचप भी लगा सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें 2 पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी है। एक क्विक पिज़्ज़ा सॉस है जो कि केचप से बनाया है मैंने, और दूसरा ये वाला पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तमाम मिनी पिज़्ज़ास पर पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब व्हाइट सॉस की एक लेयर लगा देंगे लाइट लाइट। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने तमाम मिनी पिज़्ज़ास पर व्हाइट सॉस भी लगा दी है। अब ये जो व्हाइट सॉस हमारी रह गई है, बच गई है, तो इसे मैं सेव करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। इस व्हाइट सॉस को भी आप इसी तरह सेव कीजिएगा जिस तरह मैंने पिज़्ज़ा सॉस को सेव किया है। तो बस अब हम ये चिकन की एक लेयर लगा देते हैं। अपने हिसाब से लगा लें जितनी आपको पसंद हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तमाम मिनी पिज़्ज़ास पर चिकन रख दी है। अब एक एक शिमला मिर्च रख देंगे और एक एक टमाटर रख देंगे। अब मशरूम्स ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पिज़्ज़ास को रेडी कर दिया। अब थोड़ी सी व्हाइट सॉस हम ऊपर से इस तरीके से पोर कर देंगे, इससे बिल्कुल रियल लुक आएगा कि हमने चीज़ ही ऐड की है। अब थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे। अब थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तमाम हमारे मिनी पिज़्ज़ास रेडी हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि यहाँ पर देखें, मैंने जितना भी काम किया है ना, इस तमाम काम में मैंने फ्लेम ऑफ़ की हुई थी, अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी। हम लिड कवर कर देंगे। इसमें यह है कि हमें चीज़ तो मेल्ट करनी नहीं है, तो हमारे जो थोड़े से मिनी पिज़्ज़ास नीचे से अच्छी तरह कुक हो जाएं, तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मिनी पिज़्ज़ास रेडी हैं। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। मैंने मिनी पिज़्ज़ास को 5 से 8 मिनट तक कुक किया है लो फ्लेम पर। तो ये देखिए, हमारे मिनी पिज़्ज़ास रेडी हैं। आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि हमने इसमें चीज़ ऐड नहीं की है। ये देखिए चीज़ मेल्ट भी हो रही है। तो बस ये रेडी हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मिनी पिज़्ज़ास की रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, कैमरे की बैटरी डाउन है, तो इसलिए मैं वीडियो को बस यहीं पर स्किप कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल फरीज़ किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।